पड़ेगा न्यू टायर भाई गाड़ी के, चेक करो आगे से कितनी बोल्ड लग रही है यार बड़ी देखो। सो गाइस अभी मम्मी और पापा जा रहे हैं, अभी इस बार ना मम्मी भी जा रहे हैं पापा के साथ, हमारे साथ ज्वाला जी हैं, अंशिका, अनन्या, दादी। गाइस ये देखो ये बस यहाँ लगी बस के। मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल मोहित शर्मा ब्लॉग्स। सो भाई सुबह हो गई, अभी 10 बज चुके हैं, बाकी यार मैं फ्री हो चुका हूँ काम वगैरह करके, खाना खाना है बाकी यार। अभी टायर्स वाले की कॉल आ गई थी कि टायर्स आ चुके हैं गाड़ी के, तो अभी बस थोड़ी देर में टायर्स लेने निकलते हैं। पापा बोल रहे थे कि आए नहीं 3-4 दिन से, यार उनको बोला था पर अभी आ जा गए टायर्स अपने, तो अभी उनकी कॉल आई, बाकी भी चलते हैं टायर्स लेते हैं, टायर डलवा के आते हैं गाड़ी को यार। तो चलते हैं अभी थोड़ी देर में, मिलते आपसे सीधा गाड़ी में, नहीं गाड़ी हो जाएगी एकदम मस्त एक नंबर, मजा आएगा यार। फिर चलते हैं अभी थोड़ी देर में भाई टायर्स लेते। मैं घर से निकल चुका हूँ, बाकी अभी मेरे साथ जा रहे हैं पापा, पापा को है मार्केट में उधर कुछ काम, और शायद आज पापा ने यार चले भी जाना शाम को, बाकी चलते हैं अभी टायर डलवाते हैं और गाड़ी को दिखाते हैं आपको पूरी गाड़ी की, फिर ओवरऑल लुक अब मस्त हो जाएगी गाड़ी। और ये है कि मेन है कि हाइट भी अब बढ़ जाएगी गाड़ी की, क्योंकि टायर प्रोफाइल जो वो चेंज होगी ना, तो गाड़ी की हाइट भी बढ़ने वाली है। बाकी चलते हैं अभी जाके आते हैं ना दोन, पापा तो बहुत एक्साइटेड है और गाड़ी को देखने के लिए। वैसे पापा ने कल चले जाना था, पापा बोलते आज क्यों नहीं आए टायर, बोला मैंने भी देख के जाने थे बट अभी कल गए, नहीं तो आज फिर टायर डल जाने, फिर दिखाते हैं ओवरऑल लुक गाड़ी की। तो पापा जी एक्साइटेड हो आप आज? बहुत ज्यादा। टायर्स डल रहे हैं गाड़ी के नए, बहुत गाड़ी के टायर जो बहुत खराब हो चुके हैं आगे से देख के, वैसे मन खराब हो जाता है, मन में खुशी होती है कि ये टायर तो पड़े, गाड़ी को चलाने में थोड़ा मजा भी आता है, कुछ एक्स्ट्रा स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, ऐसे खतरा रहता कभी भी टायर फट जाए तो कुछ भी घटना घट सकती है। और इतने दिनों से चल भी तो कहाँ 40 और 60 के बीच में रहे हैं इतने दिनों से, नहीं तो स्लो ही चलने पड़ता है अब तो टायर्स की वजह से। गाइस अभी यार चलते हैं, बाकी यार मेन है कि हम अपोलो के टायर्स डलवा रहे हैं ना, जो साथ में कंपनी से मतलब हमें मिले थे अपोलो के ही मिले थे, तो भाई मीटर आप चेक कर सकते हैं खुद ही, 64,000 लमसम साथ के टायर्स चल रहे थे, बड़े मतलब बड़े ज्यादा ठीक चले टायर, तो फिर हमने दोबारा सोचा कि मतलब अपोलो ही बेस्ट रहेगा, तो बस भाई यार यही सेम टायर डलवा के आते हैं, बस प्रोफाइल हम थोड़ी बड़ी डलवा रहे हैं इस बार, तो चलते हैं अभी टायर डलवा के आते हैं। भाई यार टायर अपने आ चुके हैं भाई मस्त यार एकदम, देखो पीछे रखे हैं अभी, बाकी अभी यार मैं आगे चल रहा हूँ भाई के पास एक उधर डलवाने, बस अभी टायर चल के फिर मस्त फिर देखते हैं गाड़ी में फर्क, क्योंकि अभी पिकअप में भी फर्क आया है यार बहुत ज्यादा ना, रीजन है कि आगे के टायर जब ग्रिप ही नहीं बनाएगा तो कहाँ फिर तेज चलेगी गाड़ी, जब टायर का ग्रिप नहीं रहता है ना फिर थोड़ा बड़ा सिस्टम हो जाता है उस वजह से। भाई मस्त यार मस्त टायर अपने आ गए यार, पहले प्रोफाइल थी भाई अपनी 195/55 R16, पर अब मैं डलवाई 205/60 R16, 16 नंबर ही पर 205 है अब, तो भाई चल रहे हैं टायर्स डलवाते हैं यार मस्त एकदम, फिर आपको दिखाते हैं गाड़ी मस्त एकदम। धुलवानी थी पर आज इसलिए नहीं धुलवा रहा हूँ, रीजन उसका कि बारिश यार फिर से गंदी होगी, तो इस वजह से धुलवाएंगे जिस दिन थोड़ा साफ होगा मौसम उस दिन धुलवा लेंगे गाड़ी अपनी, आज नहीं धुलवानी, बस अभी टायर डलवाने फिर मैं जाऊंगा एक बार एजेंसी इसको लेके, उधर करवानी है इसकी अलाइनमेंट, गाड़ी की यार अलाइनमेंट बहुत जरूरी होती है भाई, जो भी कार का ओनर हो ना मतलब जो गाड़ी चलाता हो उसके लिए एक सजेशन है मेन कि हर एक 5,000 किलोमीटर के बाद ना मतलब अलाइनमेंट जरूर करवाओ, उसकी वजह से देख लो भाई अपने भी 64,000 ऐसे नहीं निकले, रीज़न था कि टाइमली सर्विस वगैरह सब कुछ मिला गाड़ी को मेंटेनेंस, उस वजह से टायर अपने इतने चले, नहीं तो बंदे बोल रहे थे सारे हर कि इतने कैसे चल सकते हैं मतलब, तो जो भी मतलब अब किसी को भी मतलब कोई भी गाड़ी चलाते तो हर 5,000 किलोमीटर के बाद खुद ही भाई अपनी गाड़ी के अलाइनमेंट करवा लिया करो यार। बाकी भाई चलते हैं पहुंचते हैं शॉप पे करवाते हैं अभी टायर चेंज गाड़ी। गाइस अभी टायर हो रहे हैं अपने चेंज, ये आगे का टायर
यार पता सीन क्या करवाए, जो पीछे के टायर्स थे वो करवा दिए आगे, क्योंकि थोड़े बहुत तो घिसी गए होंगे, तो अभी वो आगे करवा दिए। अब जो आगे के थे उनमें नए टायर्स चढ़ जाएंगे, वो रिमोट वो पीछे लगवा देने, बस इतना अगर काम है करवाते हैं फिर चलते। न्यू टायर अच्छा 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 हाँ अच्छा काला तेल है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी अच्छा मैं भी अड़े हूं जाना है इसके बाद एजेंसी अलाइनमेंट करानी है गड्डी ना। अभी एक टायर चढ़ गया है, बाकी इसको लगाने लगे हैं, फिर दूसरा टायर लगेगा। टायर चढ़ गया है भाई अपना, अभी परे वाली साइड के खोल लेंगे। हाइट चेक करो आगे से, ओ भाई फर्क चेक करना, देखो इस साइड और इस साइड कितनी नीचे है अभी गाड़ी। बाकी यार निकलते हैं अभी इधर से बाहर से, यार अभी शूट नहीं कर सकता ना, बारिश लग पड़ी है, तो अभी आपको बाद में दिखाता हूँ। भाई यार टायर्स के बाद ना तगड़ी परफॉर्मेंस दे रही है यार गाड़ी, मस्त चल रही है एकदम, मजा आ रहा है अब एकदम मस्त हो गई गाड़ी, ठीक है। अब भाई यार पूरी गाड़ी की ओवरऑल लुक तो अब आपको मैं दिखाऊंगा बाद में। भाई अब पिकअप देखना आप भी यार, मक्खन चल रही है यार गाड़ी, अब बड़ी जबरदस्त मतलब मजा आ रहा है भाई एकदम सेक्सी। अब यार ठीक होगी गाड़ी अपनी, चलो बाकी यार इन्होंने टायर में प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, तो भी एजेंसी में जाऊंगा ना मैं तो उधर टायर प्रेशर करवा लेंगे सेट उनसे, क्योंकि थोड़ी ज्यादा है हवा टायर्स में, अभी अलाइनमेंट करवानी बस चल के फिर चलते हैं घर। यार एक तो बारिश ना, नहीं तो ओवरऑल लुक आपको अभी गाड़ी की दिखाता मैं, पर बारिश की वजह से कोई नहीं, ग्राउंड में दिखाएंगे अपने आपको भाई शाम को गाड़ी मस्त। और अभी बस पापा के रिएक्शन देखना आप, चलते हैं पापा के रिएक्शन भी दिखाते हैं आपको। भाई थोड़े दिन गाड़ी एवरेज नहीं लगी देने, क्योंकि जिस हिसाब से अब चलेगी ना उसी हिसाब से तो कहाँ ही देगी एवरेज,
क्योंकि बड़े दिन हो गए यार, इसको तो इतने ध्यान से चलाने पड़ता था ना भाई, क्योंकि ब्रेकिंग का पंगा रुके ना रुके है ना, तो बड़ी धीरे चलानी पड़ती थी पहले गाड़ी। पर अभी ये है कि थोड़ा तेज चलना है तो देखने पड़ेगा सिस्टम सारा ही ना, तो उस हिसाब से फिर एवरेज कहाँ ही देगी अब गाड़ी। कोई नहीं, चलते हैं, पहुँचने लगा हूँ बस मैं पापा के पास यार। अब भाई पहुँचने लगा हूँ अभी पापा के पास। कहाँ पे होंगे पापा? एजेंसी में होंगे शायद, मे बी, देखते हैं। अभी पहले चलता हूँ मैं एजेंसी, उसके बाद करता हूँ पापा को कॉल। यहाँ करवानी अपने को अलाइनमेंट। भाई गाड़ी की चेक करो आगे से कितनी बोल्ड लग रही है ना, बड़ी देखो। इधर आ चुके हैं पापा अपने, तो पापा से पूछते हैं। अड़ी को दही लगा थी अपनी अलाइनमेंट हो चुकी है। सो भाई अपनी गाड़ी के अलाइनमेंट भी हो चुकी है, बाकी अभी पापा यार सामान लिए, कुछ बेले वगैरह लिए हैं बूटे, देखते हैं अभी क्या लिया है, तो बस वो उठाने हैं अभी, फिर चलते हैं यार। इधर गए हैं पापा, ये लिया पापा ने सौदा। गाइस अभी निकल चुके हैं पापा से यार, किसी ने दिल्ली से इसका पलम का बूटा मंगवाया था, पेड़ पौधा बूटा, तो अभी पापा ने वो लिया। और हमने बेलों में ना एक मतलब कीड़ी जैसी लग जाती है ना, तो उसके लिए भी थोड़ी दवाइयां वगैरह ली जो उधर हम लटका देते हैं, बताऊंगा मतलब क्या चीज़ है वो। बाकी अभी चल रहे हैं, और ये बताओ कि जेन्युइन बताना कि कैसे रहे अभी टायर, कैसी लग रही गाड़ी? बहुत ही बढ़िया लग रही गाड़ी, काफ़ी आरामदायक लग रहा है। वो पहले डर जैसा लगता था कि टायर ना फट जाए, हल्की स्पीड बड़ा तेज, डर लगता कि पत्थर आ गया तो गाड़ी का टायर फट जाएगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब जो अपना डर खत्म हो गया है। और गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ, हाइट काफी बढ़ गई है गाड़ी की, आगे से मस्त लग रही है देखने में, पूरी बोल्ड लुक आ रही है। और भाई आगे की यार एक लाइट्स खराब हो गई है ना, पानी में चली गई थी अपनी गाड़ी, कोई आगे से बोनेट तक लुधियाना गया था मैं एक बार, तो अभी वो लाइट्स करवानी है चेंज, वो भी मैंने पूछा तो अवेलेबल है, तो अभी उनकी कॉल आएगी मेरे को, फिर वो लाइट्स भी चेंज करवानी, फिर गाड़ी एकदम देखना भाई फिर। बाकी यार अभी चलते हैं घर, मिलते हैं आपसे घर पे। ओ भाई पापा लगे हैं जाते जाते काम में, पर मैं खड़ा हूं बेला, मेरे को मत देर से बोल रहे कि तू भी कमा, पर मैं जरा नहीं हिल रहा हूं। हां जैसे पहले तो कमा के नहीं गया ना, कुछ नहीं कमाया गाइस, मैं ही कर रहा हूं जब से, सबको पता है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि पापा तेरे को लगाए हैं अकेले कोई। नहीं गाइस मत देर से बोल रहे, तू तू इतना भी प्यारा नहीं है पापा को कि तू अकेला ही लगे, तेरे को अकेले को लगाए। तो गाइस अभी ट्राई करते हैं यार इधर पानी में फोन डालने की, क्योंकि जैसे वो एक रील बनती है ना, ऐसे फोन फेंकते फिर घूम के स्लोमो में जाता है वैसे वैसे करके, और शायद फोन में पानी जो वो धीरे जाएगा नीचे, तो भी ट्राई करते हैं यार। गाइस इन वाले टायर्स का हाल देखो यार, पूरा ग्रिप खत्म है। अनन्या ये क्या है? टायर। कौन सा टायर? देखो भाई पूरा ग्रिप खत्म है। गाली का कि गाड़ी का? गाली। फिर से गाली का बोल रही, गालियां दे रही है तू। ये कौन लाया? मैं ही लाया हूँ कल रात को ज्वाला माता से। सो गाइस देखो यार पूरा ग्रिप खत्म था ए टू जेड। और भाई ये प्रोफाइल है 195 ना, तो सोचो अब 205 है, तो कम से कम इतना फर्क होगा टायर का,
तो टर्न्स पे थोड़ा फर्क तो अब पड़ेगा ही पड़ेगा यार, कि जैसे पहले स्किट करती थी थोड़ी बहुत वैसे ना आवाज जैसी करती थी, वो भी अब कम हो जाएगी। सो गाइस अभी मम्मी और पापा जा रहे हैं, अभी इस बार ना मम्मी भी जा रहे हैं पापा के साथ, और हमारे साथ ज्वाला जी हैं, आंशिका अनन्या दादी, ज्वाला जी वृंदावन इस बस में जा रहे हैं पापा वगैरह दिल्ली के लिए। अभी यार पापा वगैरह को छोड़ के निकल चुका हूँ बस स्टैंड से, आंशिका अनन्या और दादी है मेरे साथ। बाकी यार पापा वगैरह भी गए तो पापा की कॉल आई थी आगे, क्योंकि उनको हमारे के पास खिलाने रुक गया था ना, तो पापा की कॉल आई थी कि आगे एक्सीडेंट हुआ है स्विफ्ट और टूरिस्ट बस का, बोला खतरनाक एक्सीडेंट हुआ तो थोड़ा ध्यान से आना। तो बाकी देखते हैं अभी उनके अगर हुआ कुछ सिस्टम तो आपको भी दिखाएंगे, पर बोला कि खतरनाक हुआ एक्सीडेंट, देखते हैं यार चल के। बाकी यार अपने पापा और मम्मी आज चले गए हैं, तो मम्मी आ जाएंगे दवाई वगैरह लेके, आपको पता तो जैसे कि मम्मी को बैठी की प्रॉब्लम है, तो हफ्ते शायद हफ्ते भर में आ जाएं, तो देखते हैं बाकी भी क्या बनता है। चलते हैं अभी घर के लिए। तो भाई ये हुआ यहाँ पे पूरा सीन यार, स्विफ्ट गाड़ी थी और टूरिस्ट बस है यहाँ पे, पर शुक्र है यार बंदा जो था वो आर्मी का था बंदा, पर ठीक है अभी सेफ है बंदा, हॉस्पिटल लेके गए हैं वैसे तो उसको, पर चलो बंदा सेफ है और तो क्या चाहिए। ये देखो ये बस यहाँ लगी बस के, और इधर गाड़ी। बट यार मेन सीन है कि मुगलाल टाइप है ना रोड पे, तो रात को स्कूटी वगैरह के बंदों का गिरने का डर है, तो इसका कुछ करते हैं इलाज फिर चलते हैं घर के लिए। सो भाई अभी यार ब्लॉग अपलोड मैं करके आ चुका हूँ, बाकी आज की वीडियो बताओ भाई आपको कैसी लगी। बाकी यार बस बन के हो जाए, अभी बन के करवा दो जल्दी से, चैनल पे भाई नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी सभी को भाई गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय, गुड नाइट।